सामने आ गया। वो केसर विच होर चीज हुंदी आ, हुण तुसी साडे सामने आ, असी अपने भरावां दे सामने। लो जनाब हुण मैं कहानी लगा शुरू करना, जरा हौसले नाल सुननी आ। लो जी आ चीज हैगी आ, इस दौर च पता है सराग नूं क्यों पिछे कर गई दुनिया? कहिंदे झूठ बहुत बोलदे आ इस तों कर गई, मगर नहीं जनाब करन दा तरीका हुंदा। क्यों झूठ बोलना सी, क्यों झूठ बोलना? पता की कहिंदे आ, असीं जद कहिंदे आ भई ठुल्ले ने इन्ने मार, जिहड़ा असला चल पिया जनाब तीर कमान ढाल तलवार, उदों सूरमे दी पहचान हुंदी सी जदों कल्ले ना कल्ला निकलदा सी। हुण तां इत्थों बटन दबो टच टच करके बीआं नूं ढेरी करके आओ चले गया, कोई सूरमा नहीं है। सूरमे दा काम हुंदा जदों मैदान च आ गया जागला है नहीं जात है। लो जी दुल्ले पट्ठी दा काम इह सीगा दुल्ला। मैं भी तुहानूं दस दिंदा सन 1599 दे विच दुल्ला होया, और दुल्ले दी कबर जिहड़ी आ, दुल्ले दी कबर जनाब लाहौर दे विच आ जिथे मुगलिया खानदान दा कब्रस्तान है। मैं अखां देखिया दुल्ले दी कबर, ऐ मैं तुहानूं दसूंगा कि दुल्ले दा कद 8 फुट ते 3 इंच सीगा, और दुल्ले दी कबर जिहड़ी आ तकरीबन 11 फुट दी लंबी होगी। उत्ते की लिखिया आ, मैं ढा दू दिल्ली दे कींगरे। जनाब एक बहुत बहादुर लोग हो, इन्हों का झगड़ा क्यों पै गया बादशाह दे नाल? दुल्ले का बाप सीगा फरीद, फरीद दे बाप ना सांदल। फैसलाबाद च एक बार जिन्हों आप बोलते हो सांदल वार है, ये दुल्ले दे दादे दे नाते सांदल वार हो गया। मैं पिछों खोज लिया उंडिया के ताकि तुहानू भी पता लग जाए। उस वेले जनाब वो जिहड़ा दुल्ले का दादा सी सांदल ते दुल्ले का बाप इस गए पट्टी राजपूत, पट्टी राजपूत। अकबर बादशाह ने कहा सलाम करो, उन्हें कहा साडा तो सेवा नहीं इस काम से, तू एक मुगलिया खानदान आ, असी पट्टी राजपूत आ, तैनू सलाम करिए। अकबर बादशाह इस गल का बहुत गुस्सा चढ़िया। लो जी दुल्ले के बाप नू फड़ लिया, दुल्ले के दादे नू फड़ लिया, लाहौर दे विच लिया के सरेआम उन्हें जनाब इन्हां दीआं पुठियां खल्ला लहा के भोगे नाल भरातियां, लोगों नू दस्या कि अगर जिहड़ा बादशाह दा इतराम ना करूगा इह हाल होणा। मगर सूरमे ने जान दे दित्ती, आण नहीं छड्डी, आण नहीं छड्डी। लो जी हुण दुल्ला उदों मां दे शिकम विच सीगा, मैं पिछे तों लियाउण दिआं गल, ते जिहड़ा मेरू सीगा इह 2-4-5 साल दा सीगा। लो जी उत्थे दी उस किले दी दुल्ले दी पैदाइश। अकबर बादशाह ने कहा दुल्ले दी मां नूं भेजा अपनी जगीर दे उत्ते चल जा, अपने पुत्रां नूं मना करके रखी। मगर जनाब सूरमे दे पुत सूरमे हुंदे आ, सरदारां दे पुत सरदार ही हुंदे आ। उस वेले जनाबे आली दुल्ला जदों वापस आ गया, जिवें जिवें परमिश लगा करन, दुल्ला परमिश करन लगा, लोकी दसी गए वह दुल्लिया तेरे प्यो दा दादे दा अकबर बादशाह ने आ हशर कीता सीगा। दुल्ले दे जनाब उसी तरह गुस्से दियां लाटां निकलदियां सीआं कि जिस रास्ते मेरा प्यो दादा गया मैं उसे रास्ते जाना, अकबर बादशाह दा सिर कलम करूंगा, फिर मेरे कालजे च ठंड पै गई। ये मैं इस तों दस्या, दुल्ले कोल फौज नहीं सी है, दुल्ले को फौज नहीं सी, ताल तलवार तीर कमान हुंदे सीगे। लो जी दुल्ला जदों उठिया, दुल्ला कोई डकैत नहीं सी, दुल्ला चोर नहीं सी, ये तां जगीरां दे मालक आ पिंडी भट्टियां दे विच, मैं उत्थे रोज जा जा के जद भी लंघना उतर के इतराम करना। लो जी दुल्ले ने जनाब डाके मारने शुरू कर दिते। क्यों डाके मारे? भई अकबर बादशाह नूं पता लगे, अकबर बादशाह नूं पता लगे मेरे नाल आके मत्था लावे। दुल्ले ने डाके मारने शुरू कर दिते, ताड़े मारने शुरू कर दिते। जदों अकबर बादशाह दे कोल दुल्ले दीआं रिपोर्टां गईआं, उस वेले जनाबे आली अकबर बादशाह ने मिर्जा निजामुद्दीन नूं 500 जंगी सूरमा दे के तोड़ दिता कि दुल्ले नूं फड़ के मेरे दरबार च पेश कर दे। लो जी उस वेले मिर्जा निजामुद्दीन ने 500 जंगी सूरमा लै के पिंडी भट्टियां नूं चार चफेरे घेरा पा लिया। जदों घेरा पा लिया उस वेले दुल्ला सवेरे उठ के देखण लगा फौजां दे तंबू लगे आ, इह सूरमा पिछे नहीं मुड़दा, जान दे दूं सूरमा पिछे नहीं मुड़दा। दुल्ले नूं पता लग गया कि दुश्मन मेरी जान लिया। उस वेले जनाब दुल्ला नजूमी दे कोल आया, कहिंदा मियां जी किताब खोल के देखो, हिसाब ला के दसो मेरी जीत है कि हार आ। जदों उन्हें पुछ पाई, नजूमी ने कहा दुल्लिया 3 दिन तेरी हार दे आ, चौथे दिन जिवें मर्जी मैदान च गज के चल जी। शक पा दी सूरमे दे कन्न वैरी हुंदे आ, दुल्ला बाप के लाजा होके घर नूं तुरिया आउंदा। उधर दुल्ले दी मां ने कोठे ते चढ़ के देखिया, फौजां दे चार चफेरे तंबू लगे। जदों मां लद्दी ने इंज करके ध्यान मार के देखिया तां बाजारे बाजार दुल्ला भी तुरिया आउंदा। जदों दुल्ला जनाब अपनी मां दे कोल आया, उहदी मां पुछण लगी वे दुल्ले ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨਜੂਮੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਆ।
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਣੇ ਦਾ ਛੁਪਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਾ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਆਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭੌਂਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਵਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਿਨੋਟ ਨਾਨਕੇ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੂ। ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਲ ਹੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਛੱਤ ਮੂੰਗਾ ਨਕ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਫਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੂਕਾ ਭੁੱਲਰ ਬੰਨ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੌਂਟੇ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੰਨ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੰਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਛਾਤੀ ਸੜਦੀ ਭੰਨ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ ਦੁੱਲਿਆ, ਮੁਗਲ ਲੈਣਗੇ ਬੰਨ, ਨਿੱਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੇਠੀ ਲੰਘ, ਕਿਸੇ ਜਾਫੜ ਤੱਕੇ ਦਹਰੇ ਪੀਵੀ ਘੋਟ ਕੇ ਭੰਗ, ਮੈਂ ਤੀ ਭਾਰੇ ਜਪੂਨ ਦੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਜੰਗ ਲੜੂਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਭੰਗ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਉੱਡਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ ਪਤੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੱਥਾ ਦੇਖੀ ਲਾੜਿਆ ਕੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਰੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੇ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਂ ਕਈ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕਭੀ ਮਾਰਾ ਵੀ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ, ਲਓ ਜੀ ਵੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜਾ ਵੱਜਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹੋਂਗੇ ਲੈਣੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਰੇ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਦਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਰਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਆਹ
ने भी मेड़े मारे, मां ने भी मेड़े मारे। मैं तुम्हें दसा भी जान बड़ी प्यारी होती है। तो सूरमे ने उसी घोड़ी की सवारी की सी, अड्डी मारी तो चनोड़ जावे। पिंडी भट्टियां का चनोड़ का 20 मीलों का फासला। लो जनाब उ चले गया। हुण दुल्ले की मां सोचदी है, या अल्लाह दुश्मन सिर ते चढ़िया बैठा, हुण असी की करिए। जिहड़ा दुल्ले ते वड्डा मैं दस्सिया सीगा भी जिहड़ा मेहर खां सीगा, उहनूं छोटे हुंदे नूं ऐब लग गया, फीम खा लैणी, डोडे पी लैणे, अमरिया चलत्तां चलत्तां अड़ा के तां सुते रहना। ते मां लग्गी ने सोचिया, उहनें कहा चल मैं उहनूं दस्सदी आं। सियाणे कहिंदे खोटा पैसा निकम्मा दा पुत्त। उहनें कहा खोटा पैसा निकम्मा पुत्तर कदे तां कम्म आ ही जांदा। हुण भज्जी भज्जी गई, कित्थे गई, जिथे अमरिया दा डेरा सी उत्थे जाके देखण लगी। मेरू कोस ने फीम खाधी, डोडे पीते, टूला लगिया, खुदा दी खुदाई दा कोई पता नहीं। अगले पासे जाके देखन लगी तां सुत्ता पिया। उठ के उहदे सिर च तफे मार के अठार दिया। उठ वे बच्चा मेर खां, कर कोई अकल गया, वे मैं तेरे नाल मखणा दे पालिया। कीता पाल जवान, कहिंदी दुल्ला की दी हो गया, उहदी आ गई अज मकान। दुल्ला नानकिआं नूं भज गया, बन गया दो तरवान। तूं आ पुत फरीद दा खूनी मल मदान, मारी तेगा जोड़ के ला ला सिद्धी कान, इहनां फौजां नूं पिछे मोड़ दे, तेरी शोभा करूं जहां। जद नूं पोस्ती दी आ खुल गई, उठ के पुछण लगा, अम्मा अगे ना पिछे ना, तू अज कितों आ गई एडी। बोलिया मेरी पोस्ती तेरू देवा सच सड़ा, बुढ़िए मैंने दुध मखणिया दसिया, तेरे तो घर में है नहीं सुआ। जो जाता घर न अमली उदो सुका दिंदी सी टुको फड़ा, कहती सी रोटी चक ला वे निकम्मिया लाल चटनी दे खा, जे खानी है तो खा ला, नहीं साढ़े घर तो बहर हो जा। कहता बुढ़िए मैं निम्बू चाणा हो के इस तकिए बैठा, सबर सुकना डोडे पी के लेंदा रात लगा, अज मेनू आके लभ्या। मेनू पाल दी देसां च घुमा तंगा पाच, मेरी कोशिश कहड़े जवाब करदा।